लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतीक बताते हैं। महामंत्री सुदत्त की प्रार्थना को देवी सुनीति स्वीकार कर लेती है। बिटिया रानी, यहाँ का वातावरण शांत और सुंदर है। हम दोनों मिलके पूर्ण समर्पण के साथ अपने आराध्य श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। वे हम पर प्रसन्न होके तुम्हारे कष्टों का अंत करेंगे। ॐ नमो भगवते नारायणाय। ॐ नमो भगवते नारायणाय। ॐ नमो भगवते नारायणाय।
विजया मई, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरे पेट में कुछ हो रहा है। सुखिया माई, हमारे प्राण संकट में है और आप मुस्कुरा रही हैं। जब हर्ष और आनंद का अवसर आया तो भला हम क्यों ना प्रसन्न होंगे। हमने अभी अभी तुमसे कहा था ना, श्री भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करो, वे हमारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। जगदीश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमारे कष्टों का अंत हो गया। तुम बावली तो नहीं हो गई हो सुखे माई? बावली तो हो गई हूँ बिटिया रानी, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। हाँ, जिस युवराज के लिए तुमने अपने आप को इतने भयानक संकट में डाल लिया, उसका आगमन तुम्हारी कोख में हो गया है। फूल सा राजकुमार आएगा, मैं उसे झूले में झुलाऊंगी, उसे लेकर झूमूंगी। पर सुरुचि, किंतु महाराज तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। पटरानी सुरुचि को देनी ही होगी। उत्तर दे महामंत्री सुदत्त, क्या सुनीति को रथ में बिठाकर वन भवन छोड़ने आप राजा के से गए थे? हम बार बार पूछने के आदि नहीं है सुदत्त, उत्तर दे। हाँ महारानी। तुम कंपिला देशवासियों की स्मरण शक्ति इतनी क्षीण क्यों है? कितनी बार तुमसे कहा गया है कि हम महारानी नहीं, कंपिला देश की पटरानी है, पटरानी, पटरानी कहकर पुकारा करो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि सुनीति से पटरानी पद छीन लिया गया है? सच सच बताओ महामंत्री सुदत्त, क्या राजाज्ञा तुम्हें स्वयं महाराज ने दी थी अथवा तुम अपनी इच्छा से सहायता करने गए थे? क्षमा करें पटरानी जी, आज्ञा स्वयं महाराज ने दी थी। महाराज, अब आप जा सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि सुनीति अब महाराज की धर्म पत्नी नहीं रही है। उसकी किसी प्रकार की सहायता कंपिला देश के विरुद्ध विरोध समझा जाएगा। जी पटरानी। तुम्हें ये सूचना कैसे मिली? पटरानी, सुनीति और सुखिया के महल से निकलते ही आपकी आज्ञा के अनुसार चारों ओर वत्स देश के विश्वासी सेवक लगा दिए गए थे। इस बूदनी से तो आप भली भांति परिचित हैं, यह अशुभ सूचना यही लेकर आई है। वास्तव में ये सूचना अशुभ है। स्मरण रहे, किसी भी मूल्य पर ये सूचना महाराज तक ना पहुंचे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। आप निश्चिंत रहे पटरानी। बुधनी। आज्ञा पटरानी जी। तुमने अपना कर्तव्य भली भांति निभाया है। ध्यान रहे, सुनीति के हर कार्य की सूचना मुझ तक पहुंचती रहे। जो आज्ञा पटरानी जी। जाओ। महाराज की जय हो। महामंत्री सुदत्त, आपने महारानी सुनीति को सुरक्षित वन भवन पहुंचा दिया ना? जी महाराज, किंतु मेरे इस कार्य से
पटरानी जी प्रसन्न नहीं है। महाराज, यदि आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं। अवश्य। महाराज, महारानी सुनीति को इस प्रकार राजमहल से निकाले जाने का समाचार प्रजावासियों तक पहुंच चुका है। प्रजा में रोष व्याप्त है। क्षमा करें महाराज, प्रजा इसके लिए आपको। आप अपनी बात निसंकोच कहें। महाराज, प्रजा आपको दोषी मान रही है। स्थान स्थान पर इसी बात को लेकर राज कर्मचारियों को प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। महाराज, अब आपको प्रजा के इस रोष को शांत करने के लिए कोई उपाय करना होगा। प्रजा का रोष अनुचित नहीं है। महारानी सुनीति से हमारी प्रजा माँ के समान प्रेम करती थी, किंतु परिस्थितियों के सम्मुख विवश होकर हमें ऐसा कठोर निर्णय करना पड़ा। अब हम इच्छुक होने पर भी महारानी सुनीति को यहाँ लौटा लाने में असमर्थ हैं। सत्य तो ये कि महारानी सुनीति ने हमारा दूसरा विवाह करवा के हमें धर्म संकट में डाल दिया। न तो हम महारानी सुनीति को प्रसन्न कर पाए और न ही पटरानी सुरुचि हमसे प्रसन्न है। अब आप ही बताएं, प्रजा के रोष को शांत करने का हम क्या उपाय कर सकते हैं। महाराज, आपसे कुछ कहना मेरा अधिकार तो नहीं है, किंतु यदि आप अन्यथा न ले तो एक निवेदन कर सकता हूँ। महामंत्री सुदत्त, आज आप कैसी औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कंपिला के राज परिवार में तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता। क्षमा महाराज, कंपिला की परंपराओं से अधिक समस्त राज कर्मचारियों को वस्त्रदेश की परंपराएं स्वीकार करनी पड़ रही हैं। आप कुछ निवेदन करने वाले थे। जी महाराज, आपको महारानी सुनीति की सुख सुविधा का ध्यान रखना आवश्यक है। स्वयं उनके समीप जाकर उन्हें सांत्वना देना उचित है। हम आपके विचार से सहमत हैं महामंत्री जी। हम शीघ्र ही वन भवन जाकर महारानी सुनीति से भेंट करेंगे। ऐसा करने से प्रजा का रोष भी शांत हो जाएगा। महामंत्री जी, आप हमारे वन भवन जाने का प्रबंध करें, किंतु स्मरण रहे हमारी यह यात्रा गुप्त रहेगी। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज शीघ्र चलें, पटरानी जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। वे बेसुध और अचेत हो रही है। चेतना आने पर आपका ही नाम स्मरण कर रही है। शीघ्र चलें महाराज। स्वामी, पटरानी जी महाराज पधार गए। स्वामी, क्या हुआ महारानी सुरुचि? मेरे प्राणों पर आ गई है महाराज। ऐसा प्रतीत होता है मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। महामंत्री जी। जी महाराज। शीघ्र राज वैद्य को बुलाएं। यकायक महारानी को क्या हो गया? मुखरी, चंदा, मुझे कुछ देर के लिए महाराज के साथ अकेला छोड़ दो। मुझे महाराज से कुछ निवेदन करना है। जाओ। जो आज्ञा। महारानी, क्या निवेदन करने की इच्छुक हैं आप? महाराज, यदि इसी प्रकार तड़पते हुए मेरे प्राण इस शरीर से निकल गए तो क्या आप पुनः अपनी प्रिय सुनीति को पटरानी बना लेंगे? ऐसे अशुभ वचन न बोले महारानी। आपका मन अभी भी मुझे पटरानी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा महाराज। आप सुनीति को ही पटरानी मानते हैं, इसी कारण आप मुझे महारानी कहकर बुला रहे हैं। आप अस्वस्थ हैं। अधिक बोलना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। मैं अब ये दुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छुक नहीं हूँ। मेरे प्राण निकल जाए तो उचित होगा। पटरानी सुरुचि, आप भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखें। वे जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सब का हित छुपा है। इस प्रकार निराश होकर आप हमारे आराध्य भगवान विष्णु की कृपा की उपेक्षा कर रही हैं। आपकी आराध्य की कृपा
मुझे नहीं, सुनीति को ही मिलेगी। मुझे भली भांति ज्ञान है महाराज कि आप सुनीति की मंगल कामना करते हैं। इस प्रकार आपको ईर्ष्या करना शोभा नहीं देता है पटरानी सुरुचि। आप सुनीति के त्याग को क्यों नहीं देखती? मनुवंश के भविष्य और कंपिला देश के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। त्याग, त्याग, त्याग। महाराज ये त्याग नहीं था, अभी तो ये एक षड्यंत्र था जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? युवराज की माता बनने के लिए सुनीति अयोग्य सिद्ध हो गई थी। आप और कंपिला की प्रजा उसका बहिष्कार ना करे, इसी कारण आपकी सहानुभूति पाने के लिए उसने ये दूसरे विवाह का षड्यंत्र रचा था। संदेह और भ्रम का इस संसार में कोई उपचार नहीं है पटरानी। ईर्ष्या की जो भयानक अग्नि तुमने स्वयं जलाई है वो किसी और पर नहीं, तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगी। यदि मेरे स्वभाव पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो आपकी कामना सफल होगी ना? यदि मेरे प्राण निकल जाए तो आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। पटरानी, कैसा स्वभाव है तुम्हारा, कैसी कठोर भाषा और कितने निम्न विचार हैं तुम्हारे। अब तो मुझे तुमसे बात करते हुए भी भय सा लगता है। तो मुझे भी त्याग दीजिए और ले आए उस सुनीति को पुनः पटरानी बनाकर, जिसके स्वास्थ्य ने आपकी आंखों पर त्याग का आवरण ओढ़ दिया है। आप समझती क्यों नहीं पटरानी, सुनीति अब यहाँ नहीं है। वो कहाँ है ये जगदीश्वर के अतिरिक्त और किसी को ज्ञात नहीं। मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि कंपिला के वन भवन में मैं सुख से रह रही है और आपकी संपूर्ण सहायता के साथ। असत्य बोलना आपको शोभा नहीं देता महाराज। मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि आप मेरे सर्वनाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दिन मुझे कुछ हुआ उस दिन पुनः सुनीति इस महल में कंपिला की पटरानी बनकर आएगी। सुरुचि, अब भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। ऐसी दशा में रोना अनुचित है बिटिया रानी। जगदीश्वर भगवान विष्णु ने तुम पर अपार कृपा की है, तुम्हें तो उनके उपकार का आदर करना चाहिए। यूं रो रो कर श्री भगवान की महान कृपा का अनादर ना करो बिटिया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बिटिया रानी, शांत हो जाओ। मैं अपने दुर्भाग्य पर अश्रु नहीं बहा रही हूँ, अपितु। अपितु क्या बिटिया रानी? अपितु मैं अपने वचन की पूर्ति के कारण भयभीत हूँ। कौन सा वचन? मैंने सुरुचि का वचन दिया था कि उसका पुत्र ही कंपिला देश का युवराज बनेगा, किंतु यदि महाराज को मेरे पुत्रवती होने की सूचना मिल गई तो क्या वे मेरे वचन की रक्षा करेंगे? क्या मेरा सुरुचि को दिया हुआ वचन मिथ्या नहीं हो जाएगा? इसी कारण मैं वन भवन में रहना स्वीकार नहीं कर रही थी। यहाँ की हर सूचना महाराज तक पहुँच जाएगी और। नारायण 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 नारायण। देवर्षि, मैंने सुना है कि मनुष्य लोक के प्राणी को सैकड़ों महायज्ञ करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एक बार आपके दर्शन से प्राप्त होता है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, मैं तो अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु का सेवक मात्र हूँ, किंतु आप आने वाले समय में जिस दिव्य पुत्र की माता बनने वाली हैं वो दिव्यात्माओं
और सौभाग्यशालियों का शिरोमणि सिद्ध होगा और भक्ति के आकाश में एक नक्षत्र की भांति सदा सदा जगमगाता रहेगा। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, अब आप एक महादिव्य पुत्र की माता बनने वाली हैं। पुत्र में माता के ही संस्कार पलते हैं। वो बालक आप ही से संस्कार, शिक्षा और भक्ति की दीक्षा ग्रहण करेगा। इस कारण क्या देवर्षि? इस कारण आप अपनी समस्त दुविधाएं और दुख जगदीश्वर भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कर दें। भगवान विष्णु आपके वचन और सम्मान दोनों की रक्षा करेंगे। मुझे भली भांति ज्ञात है कि सुखिया माई हर समय आपको यही शिक्षा प्रदान करती रहती है। नारद मुनि, मैं तो बचपन से ही आपका नाम सुनती आई हूँ। आज बिटिया रानी के कारण आपके परम पावन दर्शन मिल गए, मैं तो धन्य हो गई। नारायण नारायण। सुसंगति का सुपरिणाम ऐसा ही होता है सुखिया माई। एक बात पूछूं नारद मुनि? अवश्य पूछे। नारायण नारायण। आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हमारी बिटिया सुनीति? भगवान विष्णु तो जगत पालक है सुखिया माई, उनसे भला संसार की कौन सी घटना छुपी रह सकती है। मैं तो उनका सेवक हूँ, उनसे ही हर घटना का ज्ञान प्राप्त करता हूँ। नारायण नारायण। इस समय भी मैं वैकुंठ से सीधा यहाँ चला आ रहा हूँ महारानी सुनीति को बधाई देने। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, आज्ञा देवर्षि। अब आप अपना पूरा ध्यान जगदीश्वर भगवान विष्णु की भक्ति भावना और उन्हीं के जप तप और व्रत में लगाएं, जिससे जन्म लेने वाले बालक में प्रारंभ से ही सुसंस्कार स्थापित हों। नारायण नारायण। आपका कल्याण हो महारानी सुनीति। नारायण नारायण। इन अश्रुओं को ना बहाओ बिटिया रानी, सुना नहीं नारद मुनि ने क्या कहा? अश्रु कहाँ बह रही हो सुखिया माई? ये क्या है? ये तो सुख और आनंद के अश्रु हैं। भगवान विष्णु की कृपा और देवर्षि नारद के दर्शन पाकर मैं इन पर संयम नहीं रख पा रही हूँ। अश्रु भी कितने विचित्र होते हैं ना सुखिया माई, दुख और सुख में समान भाव से बाहर निकलते हैं। इन्हीं अश्रुओं से प्रेरणा लो बिटिया रानी, अपने दुख और सुख का हर क्षण समान भाव के साथ भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। अवश्य माई, चलिए। कहाँ? श्री भगवान विष्णु को उनकी कृपा का धन्यवाद देने में विलंब करना उचित नहीं है, चले। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। दीक्षा ज्ञान की, तुमसे ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की, व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।